एक तरफ पश्चिम के देशों में तलाक की दर बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में महिलाएं अपने पति के साथ 7 जन्मों का रिश्ता चाहती हैं। आज देवस्थान एकादशी के दिन यहां तुलसी विवाह कर ऐसी ही कामना की जा रही है। ये है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। भारतीय परंपरा में तुलसी विवाह का बहुत महत्व है। शालिग्राम और वृंदा का विवाह संपन्न कराया जाता है। विवाह की सभी रस्में निभाई जाती हैं और सुबह यमुना के ठंडे पानी में स्नान कराने के बाद तुलसी विवाह पूरा किया जाता है, ताकि पति के 7 जन्मों का रिश्ता बना रहे। और प्रयागराज के बलुआ घाट पर आज भी ये परंपरा निभाई जा रही है। आज देवतनी एकादशी है। आज के दिन भगवान निंद्रा से उठते हैं, तो आज के दिन पूजा उनकी होती है। तुलसा माता का शालिग्राम जी से विवाह होता है। आज के दिन महिलाएं पुरुष महिलाएं सब व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं। बस यही महत्व है कार्तिक। हम ये बारादरी बलुआ घाट प्रयागराज के रहने वाले हैं। यहाँ बलुआ घाट नहाने आए हैं, तो एक महीना हम लोग स्नान करते हैं, सब सखियों के साथ अपना मंगल गीत गाते हैं, खूब मौज मस्ती आनंद से भगवान तुलसा माता का पूजा पाठ करते हैं। अब अभी आज तुलसा माता का विवाह है, तो आज विवाह हो जाएगा, पाव पूजी हो रहा है। नारे घाट पे आए हैं, जमुना जी का बहुत बड़ा पूजा है, महोत्सव है। जमुना जी का आज एकादशी का पूजन है, बहुत बड़ा पर्व है। जमुना जी के नारे सब लोग पूजन के आए हैं। जमुना महारानी की बहुत बड़ी कृपा है। जी, आज तो कैसे पूजन किया है और क्या महत्व है एकादशी का? एकादशी का महोत्सव है कि आज दीपन की एकादशी है साल की, उसमें जमुना जी के नारे बहुत बड़ा पर्व होता है, उसी का पूजन होता है। लोग व्रत रखते हैं, तुलसी महारानी की, राधा कृष्ण गोविंद की पूजा होती है। भगवान का कृपा है, उनका आशीर्वाद है। हम लोग आज बलुआ घाट में आए हैं, यमुना स्नान करने आए हैं। आज कार्तिक मास है, तुलसी विवाह है, और सबसे बड़ा ये कि आज हमारे देव विष्णु देव को उठ जाते हैं। देव उठनी एकादशी के नाम से भी विख्यात है। आज हम लोग आए हैं, अभी यहाँ पर्व में स्नान किए हैं, घाट पे बैठ के पूजा कर रहे हैं। अभी हम लोग घर जाएंगे, तुलसी विवाह करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और हमारा आज व्रत है, फास्ट है।